नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय। आप देख रहे हैं रूरल इंडिया। दोस्तों आज हम आए हैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पिलीविस गांव में। दोस्तों यहां पे इनके पास अभी 50 एचएफ नस्ल की गायें हैं। तो दोस्तों इन 50 गायों से ये सालाना 48 लाख तक का टर्नओवर करते हैं और इसमें से 40 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाते हैं। तो दोस्तों ये फैमिली में दो ही नंबर है, पति और पत्नी। ये दोनों इस 50 गायों का सब रख रखाव रखते हैं, दूध निकालते हैं और डेयरी में बेचते हैं। तो दोस्तों हमारे किसान भाई जो भी खेती करती है, खेती के साथ पशुपालन किया तो बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है, ये इन्होंने प्रूव कर दिया है। दोस्तों इनके पास पहले 7 गायें थे, 7 गायों से उन्होंने इस डेयरी की शुरुआत की थी। आज इनके पास 50 गाय है। तो दोस्तों इन्होंने जो भी गायों को जो बछड़े होते हैं उन्हीं से ही पैदाश करके अभी इनके पास 50 एचएफ नस्ल की गायें हो गई है। और इनसे हर रोज़ एक गाय से 20 लीटर तक दूध निकालते हैं और डेयरी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो दोस्तों अगर खेती में हम पशुपालन करें खेती के साथ, तो दोस्तों हमारे रोज की जो पैसों की ज़रूरत होती है वो दूध से पूरी होती है और दूध के पैसों से हमारी ये ज़रूरतें पूरी होती है। और जो कि फसल से जो भी पैसा मिलने वाला होता है वो फसल से मिलने वाला पैसा हमारा बच जाता है। दोस्तों अगर जो किसान खेती के साथ पशुपालन नहीं करते हैं उनका क्या होता है, उनके हर रोज के खेती के खर्चे होते हैं, वो एक तो उधार लेते हैं या तो कर्जे पे लेते हैं या तो साहूकार से लेते हैं। जब फसल पूरी होने के बाद जब मार्केट में बेचते हैं तो जो पैसा आता है वो उधारी के लिए, साहूकार के लिए और बैंक के कर्जे के लिए पूरा जाता है और खाली हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो दोस्तों अगर हम पशुपालन के साथ, खेती के साथ पशुपालन करें तो बहुत अच्छा मुनाफा रह सकता है और दूध के पैसों से सब खर्चा चलेगा और जो खेती से निकलने वाला जो मुनाफा रहता है वो पूरा बच जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि दो फैमिली के दो मेंबर 50 गायों का पालन कर सकते हैं और अच्छी तरह इनका रख रखाव रख के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों चले मिलते हैं उनसे ही और जानते हैं वो किस प्रकार से इनका मैनेजमेंट करते हैं, किस प्रकार से ये इसमें दूध निकालते हैं और दूध डेयरी को बेचते हैं और इनको कितना 50 गायों से मुनाफा मिलता है। दोस्तों इन्होंने इस गायों के जो भी प्रॉफिट से, उनके पास अभी 4-व्हीलर एक बोलेरो कार ली है, 2 बाइक्स है और अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों जहाँ तक कि हमारे चाहे सूखाग्रस्त किसान है उनके लिए भी ये अच्छा पशुपालन का बिजनेस अच्छा है, क्योंकि दोस्तों जब हमारे बारिश होती है उस टाइम पे अगर हम मक्के का मुर्गास बना के रखते हैं तो दोस्तों ये सूखे के टाइम में हमारे काम आ सकता है। तो ये किसान भाई 160 टन का मुर्गास बनाते हैं और वो रखते हैं और जब भी गायों को वो मुर्गास ही खिलाते हैं। उनकी खुद की जमीन खाली 1.5 एकड़ जमीन है, लेकिन ये उसमें से बारिश के टाइम मुर्गास बना के रखते हैं और पूरे बरस में ये मुर्गास का ही उपयोग करके इसमें से मुनाफा कमाते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? संतोष किशन गोरे। सर आपने कितने गायों से शुरुआत की थी आपके पशुपालन? 8 गायों से। कितने दिन पहले शुरुआत की थी? 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले शुरुआत की। अभी जितने भी आपके शेड पे गाय है वो आपने उस गायों से होने वाले बछड़ों से की है या दूसरी खरीद के लाए? दूसरी खरीद के लाए बछड़े ने। अभी कितने तैयार, कितने खुद के कितने तैयार हो गई थी? 8 हो गए। 8। तो इस 50 गायों के लिए कितने काम करने के लिए लोग कितने रखे हैं आपने? दो आदमी। खाली आप? कौन कौन दो? आपकी पत्नी। आप और आपकी पत्नी खाली दो ही है? ठीक है, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं सर। आप इनके खाने के लिए क्या बनाया है इनको? मुर्गास से सभी गायों के लिए मुर्गास यूज करते हो?
ना दूध देने वाले को मुर्गा से, जो गाय दूध देते है उसको मुर्गा से, और जो गाय दूध नहीं देते वो खेत का हरा चारा उनको निकाल के डालते। तो इन गायों का आप हर दिन का जो शेड्यूल रहता है वो कैसे रहता है? आप कितने सुबह कितने बजे उठ के उनको खाना या जो भी साफ सफाई रखते हैं कैसे चलता है? 4 बजे तक हम उठते हैं। 4 बजे सुबह सुबह उठ के आपका शेड का काम शुरू होता है? शुरू होता है। दूध कितने बजे निकलते हो? दूध 6 बजे तक निकलते हैं। 6 बजे दूध निकालते हैं? 6 बजे तक। अभी टोटल इन सभी गायों का टोटल दूध का कलेक्शन कितना होता है? 200 लीटर एक टाइम का, 200 यानी दिन का 400 लीटर होता है। 400 लीटर अगर हम इस 400 लीटर का हर दिन का पकड़ के 12 महीनों का 48 लाख का होता है। 48 ठीक है, 48 लाख ठीक है। उन अगर इन पे खर्चा कितना होता है आपका? 10 लाख। 10 लाख तक खर्चा होता है और 40 लाख तक मुनाफा रहता है हर वर्ष। इन मुनाफे से आपने क्या क्या खरीदा है अभी? बोलेरा बुलेट मल बोलेरा गाड़ी एक खरीदे, रॉयल एनफील्ड एक गाड़ी खरीदी है ठीक है, स्कूटी खरीदी ओके, और एक आपने पत्नी के लिए एक TVS गाड़ी भी खरीदी ठीक है सर जी। आपके गायों के कुछ बीमारियां वगैरह होती है क्या? नहीं होती। बीमारियां नहीं होती है? नहीं। अगर होती है तो आप डॉक्टर के बुलाते होंगे? डॉक्टर को बुलाते होंगे ठीक है। अभी ये बिजनेस कैसा है, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाई? ये क्या दो गाय पालते हैं खेती के साथ, अगर ज़्यादा पाल सके तो इससे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है? मिल सकता है ठीक है सर जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पशुपालन के बारे में? पशुपालन के ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ज़्यादा मुनाफा देने वाला है। हाँ। इसका बिल कितने दिन में निकलता है डेयरी का बिल? 10 दिन के बिल निकलता है। 10 दिन में आपको अकाउंट के खाते और जमा होता है डेयरी में? ओके। आपका दूध इनके डेयरी पे जाता है? इनकी डेयरी पे जाता है। अच्छी बात है सर जी। क्या कहना चाहेंगे इनको, ये दो अगर हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई 2 या 4 ही गाय पालते हैं, लेकिन इन्होंने 50 पाली है और खाली कोई काम करने वाला भी नहीं, पति पत्नी खुद संभाल रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? और 2-3 गाय जी पालते हैं तो उसका परवर्तन नहीं, जास्ता गया जो अच्छा है दिया, जो ज़्यादा पालेगा उसको ज़्यादा नफा मिलेगा। राइट सर। अभी तो आपका डेयरी का कितना दे रहे हो दर, उसका डेयरी का रेट क्या रहे? आता आपका डेयरी का रेट है 34.5 रुपये। 34 रुपये आप दे रहे हो लीटर का? 34.5। अरे सर जी बहुत अच्छी बात है सर। अभी सभी डेयरी पे चल रहा है खाली आपकी? आपकी डेयरी? आपके मतलब तुम्हारे डेयरी पे ही चल रहा है? हाँ। अच्छी बात है सर, अच्छा अच्छा किसानों के लिए अच्छा कर रहे हो। हमारे जहाँ पे हमने देखा सभी डेयरी पे इतना रेट नहीं दे रहे, 33 दे रहे, 33 दे रहे। हाँ। तो आप ज्यादा दे रहे, 34.5 रुपये दे रहे। अच्छी बात है सर, आप किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो डेयरी चलाने वाली भाई है उनको क्या कहना चाहेंगे आपके, आप जैसा उन्होंने भी रेट देना चाहिए? सब डेयरी वाले ने आपका साथ दर दे ऐसे आमची इच्छा है, शेतकऱ्यांना बहुत पैसा मिलता है, गुराचं पालन पोषण होता है। ओके ठीक है सर जी। आप इन 50 गायों से 48 लाख रुपए तक मुनाफा कमा रहे हो और अच्छा आपका शेड का मैनेजमेंट भी है, इस मैनेजमेंट में आपकी पत्नी भी आपको मदद करती है, करती है। ये बच्चा भी बता रहा था, कोई बता रहा था कि बच्चा भी आपको हेल्प करता है? करता है। दूध निकालने में हेल्प करता है क्या? 40 लीटर दूध निकलता है एक टाइम। ये 40 लीटर मशीन लगाता है गाय को? मशीन लगाता है। ओके ओके ठीक है। ओके अच्छी बात है सर। इनको बीमारियां होती है नहीं आपके शेड पे ज्यादा? होती ही नहीं। तो मुर्गा तैयार करने का विधि बताएंगे हमको थोड़ा सा, कैसे तैयार करते हो मुर्गास? कौन से महीने में तैयार करते हो? ना कौन से महीने चलेगा? कौन से महीने में मक्के का मुर्गास बनाएगा? हाँ मक्के। ठीक है ओके थैंक यू।